वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सोनल और सोनल दीपक की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हमारे घर में आया टीवी और मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था कि टीवी आके रखा हुआ बट अनबॉक्सिंग नहीं हुआ था, ऐसे ही रखा हुआ था। तो आज सब कुछ सेटअप होने वाला है, टीवी लगने वाला। तो आज मैं और मेरे देवर मिलकर आप लोग को डिटेल में बताएंगे कि हमने कौन सा टीवी लिया है और आप इसे ले सकते हो या नहीं। तो चलो आप बताओ टीवी के बारे में। तो ये सैमसंग टीवी है, क्यूलेड है, स्मार्ट टीवी है, एंड्रॉयड टीवी। तो हमारा मेन टारगेट था कि हमें एंड्रॉयड टीवी चाहिए था, क्योंकि हमारा जो पुराना टीवी था वो एलईडी तो था बट एंड्रॉयड टीवी नहीं था। तो हमें जियो का सेटअप बॉक्स लगाने के बाद एंड्रॉयड का फीचर्स यूज़ करना पड़ रहा था। तो इसमें ऑलरेडी क्रोम कास्ट भी है और एंड्रॉयड टीवी है, तो हम कोई भी एप्लीकेशन ऐसे भी डाउनलोड कर सकते हैं टीवी में। और हमारा मेन गोल ये भी था कि हमें 55 इंच का टीवी चाहिए, और ये रेंज में अगर आप कोई भी अदर ब्रांड्स देखोगे तो ये प्राइस रेंज में आपको नहीं मिलेगा जो कि ये ऑफर कर रहा है। इसमें मोस्टली आपको सब फीचर्स मिल जा रहे हैं, 2GB का रैम है, 16GB का रोम है, और बेसिक जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं एक एलईडी टीवी के लिए सब है इसमें। एक्स्ट्रा पोर्ट्स दिया हुआ है HDMI का या फिर कोई भी और आपको चाहिए तो, और बेसिकली सब है इसमें। और हमने जो लिया था ये टीवी लिया था हमने विजय सेल से। आप चाहो तो अमेज़ॉन वगैरह सब जगह से ले सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली 37,000 से 38,000 के बीच में कुछ इसका प्राइस रेंज है, आप अमेज़ॉन वगैरह पे देख सकते हो। और अब मैं प्रीफर करूँगा कि आप अपने लोकल कहीं से लो, तो उसमें आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपको इंस्टॉलमेंट के लिए पर्सन वहाँ से अपॉइंट हो जाता है। वो तो ऑनलाइन में भी होता है बट ऑनलाइन में फिर आपको कस्टमर केयर से बात करना पड़ेगा, वहाँ पे डायरेक्ट वो करके दे देते हैं सब अरेंजमेंट्स आपके लिए। और बाकी आप बताओ आपको कैसा लगा टीवी? टीवी बहुत अच्छा लगा, मतलब वो जो इसका हाइट और जो अच्छा पैनल पे लगा ना जब, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, तो देखने में भी अच्छा लग रहा है काफ़ी। जब चला ना तो भी हम लोग को बहुत अच्छा लगा। सो इस तरह से वो आए बाहर से और उसको अच्छे से तैयार कर रहे हैं, तो ये छोटी छोटी खुशियाँ थी, हमने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करूं। आई होप कि आपको थोड़ा सा बेनिफिट्स मिले कि हम जो बता रहे हैं, अगर आपको लेना चाहते हैं अपने घर के लिए टीवी तो। और सैमसंग के टेक्नीशियंस भी बहुत अच्छे थे, वो कितने फ्रेंडली थे, अच्छे से सब बता रहे थे। और वो टीवी को तो ऐसे उठा रहे थे, रख रहे थे कि ऐसा लग रहा था खिलौना है। तुरंत उठा के रख दे रहे थे, तुरंत यहाँ से वहाँ कर दे रहे थे। आप वीडियो में भी देख सकते हो कैसे वो सिंगल हैंडली सब कर रहे हैं। हम डर रहे थे, हमें लगा कि कोई हेल्पर जरूर सही रहेगा, बट वो बोले कि मैं खुद से ही कर लूंगा सब, और बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली थे। और मोस्टली जैसे हमारे पहले भी टेक्नीशियन आए थे ना, तो वो कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा आपको खर्च करवा दें। जैसे हमारा जब क्रोमा का हमने टीवी लिया था, तो उन्होंने बोला था उसमें जो स्टैंड मिला था ना, वो बोला था यूज़ होगा ही नहीं, आपको अलग एक स्टैंड लेना पड़ेगा, तो 2-3,000 का लेना पड़ा था। इसमें भी वही रीज़न हुआ, बट इसमें कैसा था ना कि HDMI का ये प्राइजेस बोल रहे थे, तो आप ट्राई करना कि आपके लोकल मार्केट से आप HDMI ले लो। क्योंकि ये सेल करते हैं 300 से 400 रुपये का, और आप नहीं, इन्होंने कुछ बोला था 1600 रुपये के, 1000 रुपये के आसपास में, और आप मार्केट में देखोगे ना तो 300 से 400 के बीच में आपको 4K HDMI मिल जाएगा इजीली। बट आपको वॉल स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा, वॉल स्टैंड टीवी के साथ नहीं मिलता है, तो कोशिश करते हैं वो लोग कि उसके लिए भी चार्जेस पे करवाएं, बट डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी और जो बंदा आ रहा है उस पर भी। हमें शायद से फ्री में मिला था, हम श्योर नहीं है उसके ऊपर, शायद इंक्लूडेड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, हमने देखा नहीं था। और इसमें बाकी साउंड क्वालिटी और विजुअल्स भी बहुत बहुत अच्छे हैं। विजुअल्स तो अच्छे होंगे क्योंकि 4K टीवी है, तो कलर बहुत अच्छा और बूस्टेड आता है, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। और स्पीकर बहुत अच्छा है इसका, आप ऐसे जनरली अगर एक्स्ट्रा स्पीकर होम थिएटर ना भी लगाओ तो भी आपके रूम में इनफ साउंड हो जाएगा। इससे क्योंकि हमने गाने बजा के देखे थे तो बहुत अच्छा साउंड आ रहा था, ऐसा लग रहा था कोई स्पीकर बज रहा हो, क्योंकि इसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, तो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर और बहुत ही ज़्यादा सराउंडेड साउंड आता है। पहले वाला जो हमारा टीवी था क्रोमा का, उसमें ऊपर के साइड में स्पीकर्स थे, तो वो ना बाउंस होकर आवाज़ आता था, तो ऐसा थोड़ा फटाफटा आता था। और इसमें क्योंकि चारों साइड स्पीकर है ना, तो इसमें ऐसा लगता है कि पूरा सराउंड होकर वॉइस आ रहा है, ऐसा नहीं लगता कि एक साइड से आ रहा है और एक साइड नहीं सुनाई दे रहा है कहीं, चारों साइड प्रॉपर सुनाई देता है इसका आवाज़। और आपको कैसा लगा स्पीकर और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा वो गाने जब बज रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा जैसे होम थिएटर लगा हो ना, वैसा लग रहा है, तो बहुत अच्छा है। बाकी यहाँ पे ये बूट कर दिए, एंड्रॉयड का जैसा सिंपल मोबाइल का बूट होता है ना, वैसे ही बूट था। पहले लैंग्वेज वैंग्वेज चूज़ करना था, फिर वाईफाई वगैरह सेटअप करके जीमेल आईडी ऐड करना था, और उसके बाद बूट हो जा रहा था।
और यहाँ पापा टेस्ट कर रहे हैं कि कैसा साइज है कैसा है सब, उनको भी वही था कि प्रॉपर लगेगा कि नहीं पैनल पे, क्योंकि हमारा पैनल 65 इंच का था, बट 65 इंच का टीवी लगाने के बाद कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो फिर सभी मैं आपको अपनी टीवी ऑन करके दिखाती हूँ और कितना इसका अच्छा लग रहा है ये पैनल पर, ये टीवी कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अगर आप खरीदने जा रहे हो टीवी अफोर्डेबल प्राइस में, अगर आपको ये चाहिए तो ये बेस्ट है। तो जैसा जैसा होगा मैं आप लोगों के साथ इसका फीचर बताती जाऊंगी। और ये देखिए इसका ये रिमोट है और इसमें अलग से चार बटन दिए, यूट्यूब का, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, तो ये अलग से दिए हुए हैं चारों बटन, तो ये बहुत अच्छा है। तो मैं पूरा अगर सीख जाऊंगी तो एक महीने बाद मैं फिर से इसका रिव्यू दूंगी कि टीवी कैसा चल रहा है और इसमें क्या क्या फीचर्स। ऐसे तो मैं डेली आप लोगों के साथ शेयर करती ही रहूंगी कि कैसा, बस ये भी बहुत अच्छा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी टीवी के बारे में। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि कैसा लग रहा है हमारा टीवी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।